दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, डॉक्टर अंबेडकर इसके बारे में क्या लिखते हैं। अब कुछ एपिसोड्स में आपको बताने वाला हूं कि ब्राह्मणवाद की विजय कैसे हुई, पुष्यमित्र शुंग का आगमन कैसे हुआ और डॉक्टर अंबेडकर क्या लिखते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए, भारत में ब्राह्मणवाद की विजय के बारे में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि आपको इतिहास में पढ़ाया गया होगा कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है, लेकिन यह भी सच है कि भारत परस्पर विरोधी धर्मों की भूमि है। वास्तव में कोई ऐसा देश नहीं है जहां धर्म ने उनके इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो जैसा कि भारत के इतिहास में निभाई है। भारत का इतिहास कुछ और नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच जातीय संघर्ष का इतिहास है। इस सत्य की इतनी अवहेलना की गई है कि कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसे तुरंत स्वीकार कर ले। वास्तव में ऐसे कम व्यक्ति मिलेंगे जो इस प्रकार के अहिमत का खंडन कर सके। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं आगे कि मैं यहां संक्षेप में भारतीय इतिहास के मुख्य मुख्य तत्वों को प्रस्तुत कर रहा हूं। यह इसलिए भी कि जिन लोगों ने भारत के इतिहास को कुछ समझा है उनको यह जान लेना चाहिए कि यह इतिहास और कुछ नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच महत्ता के लिए, अपने अपने महत्व के लिए संघर्ष का इतिहास है। कहा जाता है, आगे लिखते हैं, कि भारत का इतिहास आर्यों के आगमन से प्रारंभ हुआ, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, इसे अपना घर बनाया और अपनी संस्कृति स्थापित की। आर्य लोगों के गुण, उनकी संस्कृति, उनका धर्म और उनकी सामाजिक पद्धति चाहे कुछ भी क्यों न हो, परंतु उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अनार्यों की तुलना में आर्यों की श्रेष्ठता के जो भी दावे पेश किए जाते हैं, उस सब के बावजूद यह तो निश्चित है कि आर्यों ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है जो इतिहास का अंग बन सके। नागा नाम की अनार्य जाति के उत्थान से भारत का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है, जो कि शक्तिशाली लोग थे जिन्हें आर्य पराजित नहीं कर सके और जिनके साथ आर्यों ने समझौता किया और जिन्हें आर्यों को अपने समान ही मान्यता देने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत ने प्राचीन काल में राजनीतिक क्षेत्र में जो भी ख्याति और गौरव अर्जित किया है उसका पूर्ण श्रेय अनार्य नागाओं को जाता है। यही वे लोग हैं जिन्होंने भारत को विश्व के इतिहास में महान और शानदार रूप में स्थापित किया। भारत के, आगे लिखते हैं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम युगांतकारी घटना थी बिहार में 642 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का उदय। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के संस्थापक का नाम शिशुनाग था और यह नाग नामक अनार्य जाति का था। शिशुनाग द्वारा स्थापित यह छोटा सा मगध राज्य उसके वंश में उत्पन्न समर्थ शासकों के अधीन विशाल होता गया और बिंबिसार के समय तक एक साम्राज्य बन गया, जो इस वंश का पांचवा शासक था। यह राज्य मगध साम्राज्य कहा जाने लगा। शिशुनाग वंश ने 413 ईसा पूर्व तक शासन किया। उस समय शिशुनाग वंश के सम्राट महानंद का शासन था। इस सम्राट महानंद की नंद नाम के एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हत्या कर दी और स्वयं सम्राट बन बैठा। उसने नंद वंश की स्थापना की।
इस नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके अंतिम सम्राट को चंद्रगुप्त मौर्य ने पदच्युत किया, हटाया और उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए चंद्रगुप्त शिशुनाग वंश के अंतिम सम्राट के परिवार से संबंधित था। इसलिए कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने जो क्रांति की वह वस्तुतः मगध में नाग साम्राज्य की पुनर्स्थापना थी। जो कथा कहानियों में आपको बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहा था, ढेला ढेला खेल रहा था और उधर से चाणक्य गया और बालक को देखकर प्रभावित होकर उसको लाया और राजा बनाया, ये सब कपोल कल्पना है। वह बेसिकली नंदवंश जो नागवंश था नागवंश के अंतिम राजा से संबंधित था, राज परिवार से चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मौर्य को जो मगध साम्राज्य मिला उसकी सीमाएं उन्होंने अपने पराक्रम से काफी दूर दूर तक फैलाया। अशोक के अधीन इस साम्राज्य की सीमा यहां तक बढ़ी कि इसे एक दूसरा ही नाम दिया जाने लगा, अशोक का साम्राज्य। उस समय जितने भिन्न भिन्न धर्म प्रचलित थे, बौद्ध धर्म उन जैसा नहीं रहा। अशोक ने इसे राजकीय धर्म घोषित किया। निश्चय ही ब्राह्मणवाद के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। इससे ब्राह्मणों को राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया। अशोक साम्राज्य में उन्हें गौण या अधीनस्थों का दर्जा दिया जाने लगा और उसकी उपेक्षा की जाने लगी। निश्चय ही कहा जा सकता है कि यह दमन इन छोटे से कारण से हुआ कि अशोक ने सभी प्रकार के पशुओं की बलि पर रोक लगा दी थी, जो ब्राह्मणवाद का मूल आधार थी। ब्राह्मणों को न केवल राज्य का संरक्षण मिलना बंद हुआ बल्कि उनका व्यवसाय भी छिन गया। यह व्यवसाय था यज्ञ कर्म करना और उसके बदले शुल्क लेना, जो कभी कभी बहुत अधिक होता था और यही उनकी जीविका का मुख्य स्रोत था। इस तरह तकरीबन 140 वर्षों तक मौर्यों का शासन रहा। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बेचारे ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। यही विशेष कारण था जिससे पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध नेतृत्व का विद्रोह किया। पुष्यमित्र शुंग गोत्र का था। शुंग लोग सामवेदी ब्राह्मण होते थे, जो पशु बलि और सोम बलि में विश्वास करते थे। इसलिए समूचे मौर्य साम्राज्य में पशु बलि निषिद्ध होने और अशोक द्वारा जगह जगह पर शिलालेखों आदि पर उसकी घोषणा लिखवा देने से शुंगों को अनेक कष्टों को भोगना पड़ा, या भोगना स्वाभाविक था। यदि पुष्यमित्र सिंह शुंग ने बौद्ध साम्राज्य को नष्ट कर ब्राह्मण को उद्धार करने और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की छूट देने का बीड़ा उठाया तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे लिखते हैं कि पुष्यमित्र ने जो राज हत्याएं की उनका उद्देश्य राज्य धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को नष्ट करना और ब्राह्मणों को भारत का सर्वोच्च शासक बनाना था, जिससे कि राजा की राजनीतिक सत्ता की सहायता से बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म विजयी हो सके। इस तथ्य की पुष्टि दो अन्य तथ्यों से होती है। पहला तथ्य स्वयं पुष्यमित्र शुंग के आचरण से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि राजगद्दी पर बैठने के बाद पुष्यमित्र ने अश्वमेध अथवा अश्वमेघ अथवा अश्व यज्ञ कराया और इस वैदिक अनुष्ठान को केवल परम प्रभुता संपन्न व्यक्ति ही करा सकता है। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर यहां विंसेंट स्मिथ जो कॉलोनियल हिस्टोरियन थे उनको कोट करते हैं। जो स्मिथ ने लिखा है कि बौद्ध धर्म की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता है पशुओं को अवैध मानकर उसको अभय जीवन प्रदान करना। अशोक की विधि व्यवस्था की यही बड़ी विशेषता थी।
इस पर बहुत अधिक बल देने के परिणाम स्वरूप ऐसे सभी यज्ञ कर्मों पर रोक लग गई जिसमें पूजा विधि के रूप में रक्त का उपयोग होता था और जिस विधि को कट्टर ब्राह्मण अपना प्रधान अनुष्ठान मानते थे। ब्राह्मणों ने इस क्षेत्र में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उसकी शुरुआत पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने से हुई। इस प्रकार के यज्ञ कर्म के बाद में 5 शताब्दियों समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के समय तक जोर शोर से प्रचलित रहे, अनकोट। ये विंसेंट स्मिथ लिख रहे। अब डॉक्टर अंबेडकर दूसरा प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि यह है कि पुष्यमित्र ने अपने राज्यारोहण के बाद बौद्धों और बौद्ध धर्म के विरुद्ध जोर शोर से और कटितापूर्ण उन्हें सताने का आंदोलन छेड़ दिया था। पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म को किस निर्दयता से कुचला इसका अनुमान उसकी इस घोषणा से लगाया जा सकता है जो उसने बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी किया था। इस घोषणा में पुष्यमित्र सुंग ने हर बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सिर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की थी। पुष्यमित्र सुंग के शासन में बौद्धों पर किस प्रकार अत्याचार किया गया इस बारे में टिप्पणी करते हुए डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री लिखते हैं, कट्टर और धर्मांध सुंग के शासनकाल में बौद्धों की स्थिति का अनुमान करना उसका वर्णन करने की अपेक्षा अधिक सरल होगा। चीनी अधिकारियों से पता चलता है कि बहुत से बौद्ध आज भी पुष्यमित्र का नाम उसे भला बुरा कहे बिना नहीं लेते हैं। तो ये ब्राह्मणवाद की विजय का ये पहला एपिसोड है। अभी इस पे 2-3 एपिसोड्स और बनेंगे और रेफरेंस बता देता हूं, पेज नंबर 134 वॉल्यूम 7 से पेज नंबर 138 तक जाएंगे तो जो बातें मैंने यहां कही हैं वो प्रमाण सारे वहां पर मिलेंगे। शुक्रिया, कीप वॉचिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग अंबेडकरनामा। अगले एपिसोड में मिलता हूं। शुक्रिया, जय भीम।